मैं अभी आई। बा मैं अभी आई। माँ जी मुझे अपने कमरे में जरूरी काम है, थोड़े समय के लिए मुझे अकेले छोड़ दो। गोपी मैं नीचे जाकर पानी लेकर आता हूं, तुम बैठो आराम से। गोपी तुमने सुना मैंने तुमसे कुछ कहा? गोपी क्या हुआ, क्या सोच रही हो? ये है हमारा स्पेशल सरप्राइज, सबको समझ में आ गया? एवरीथिंग क्लियर? लेकिन जिगी काकी जी को ये सब पसंद? अरे डार्लिंग ये सब तो मुझ पे छोड़ दे, मैं अपनी कोको बहन को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, ये सब उसे बहुत पसंद है, बस किसी को जतलाती नहीं है। वैसे मुझे एक बात बताओ, ऐसे इवेंट सेलिब्रेट करना किसको पसंद नहीं है? अच्छा चलो अभी बातें बंद, काम शुरू, टाइम बहुत कम है तो हमें अपनी ड्यूटीज बांट लेनी चाहिए। मने शू करवानो छे? अरे मारा दिकरा वहुनी लगननी वर्षगांठ छे, तो मुझे भी तो कोई जिम्मेदारी उठानी चाहिए ना। ये आंगन की बत्ती किसने जलती हुई छोड़ दी? और यदि वो लोग पूछताछ करेंगे तो? झूठ बोलेंगे। जीकी मासी हमें झूठ बोलना पड़ेगा। अरे झूठ थोड़े बोलना है, अब तुझे क्या समझाना, तू तो सब जानती है ना। मेरी बात समझ दिख रहा मासी जी, पर झूठ तो झूठ ही होता है ना। दिकरा ये तेरे कान्हा जी है ना, तो मुंह में माखन भरते हुए अपने माँ जी को कहते हैं, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, ये क्या उनका गुनाह हुआ? नहीं ये तो उनका नटखटपन था। और बीजी बात कि ये तू सब क्यों कर रही है? तेरे माँ जी और पापा जी के लिए है ना दिकरा? देख गोपी तुझे झूठ बोलने के लिए नहीं कहा जा रहा, तू ऐसा समझ ले कि तुझे सच छुपाने के लिए कहा जा रहा है। काकी जी आ रही है, चल। गुड नाइट कोको। सॉरी मॉम, वो मैं सोने जा रहा हूँ, कल सुबह जल्दी मीटिंग है ना, तो नहीं।